हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। कैसे हो? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चालू करें आज की क्लास। आज की क्लास हमारी बिल्कुल लास्ट क्लास रहेगी, और आज मेरे सामने कमेंट स्क्रीन इधर है, ठीक है ना? तो मैं इधर देख के बात करूं तो ये मत सोचना कि सर कहाँ देख के बात करें। पहले रोज मैं इधर देखता था, आज मैं सामने देखूंगा, ठीक है ना? कमेंट स्क्रीन मेरे सामने है बिल्कुल। सभी को प्रखर, अमित, हर्षित, अमित, ये जयेश, अनिरुद्ध, भाव्य, पर्व। अच्छा, मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। सर एक बार व्यूअर्स नहीं दिख रहे मेरे को, व्यूअर्स नहीं दिख रहे हैं। नहीं, शायद हाइड हो रहे हैं व्यूअर्स। एक बार शायद आपको रीलोड करना पड़ेगा पेज। पेज रीलोड करना पड़ेगा। किसमें है फाइल? इमेज में। टुडे, आज अगर हम बात करें तो क्या क्या होने वाला है, समझ लीजिएगा। आज क्या क्या अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ओके, नाउ इट्स ओके। ओके, थैंक यू सर। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। सर पेन कहाँ है? पेन सर, पेन। ओके, चलो देखिए शुरू करते हैं। सभी लोग एक बार फटाफट से इस लिंक को शेयर कर दो जितनी जगह पर कर सकते हो। प्रिंस गर्ग, अनिरुद्ध, अखिलेश, बिल्कुल सभी लोग, अमित, ब्रोकन गेमिंग, पिंकेश, मीना, मोनू, इंद्रेश, ठीक है? ओके, शिव। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जितने भी हैं, फटाफट फटाफट से इस लिंक को अपने सभी साथियों में, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि गवर्नमेंट स्कूल के जो विद्यार्थी हो उन तक भी ये बातें पहुँचें, उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें कैसी भी करके, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। जो अभी रेगुलर क्लासेस लिए नहीं लिए पता नहीं, उनका सिलेबस हुआ है कि नहीं हुआ पता नहीं, तो अपन लोग क्या है कि थोड़ी सी उनके उनको थोड़ा सा अपन मार्क्स दिला सकें, उनके हो सकता है कोई हेल्प कर सकें। तो इसलिए आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा दीजिए और शेयर कर दीजिए। सभी को गुड इवनिंग। अनिरुद्ध, शिव, ओके, ये चाजी देवी यादव कौन है? देखिए अभिनव, बिल्कुल अभिनव जी। देखिए आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज जिन टॉपिक्स पर हम डिस्कस करने वाले, देखो पढ़ेंगे तो क्या, हम तो डिस्कशन करेंगे कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आने वाला है। तो नोटिस राइटिंग आज हम चर्चा करेंगे। 4 नंबर का टॉपिक है, 4 नंबर, नोटिस राइटिंग, रिप्लाई इन्विटेशन के और एडवर्टीजमेंट, तीनों के लिए मिलते हैं। तीनों में से 2 क्वेश्चंस आएंगे, कोई भी एक करना है। और कैसे करना होता है, मैं आज एक पूरी नोटबुक एक टाइप से बना के लाया हूँ। तो सबसे देखो, पहले जो डिस्कशन करेंगे हम नोटिस का करेंगे, उसके बाद हम विज्ञापनों का करेंगे, फिर रिप्लाईज का करेंगे। इसी फॉर्मेट में हमने लिए हैं सारे और इसी में करेंगे। तो एक कॉपी में मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो चलो लेट अस डिस्कस शुरू करते। देखिए ये फॉर्मेट है, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक बार इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए अगर अपन इस फॉर्मेट की बात करें, ठीक है ना, इस फॉर्मेट की बात करें, थोड़ा सा इसको और मैं जूम कर लेता हूँ, ये लीजिए। अब देखना आपका नज़र जो है, आपकी नज़र सीधी यहाँ रहनी चाहिए, इस बोर्ड पर देनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि अपन जब भी इस फॉर्मेट को देखेंगे तो ऊपर से देखो मैंने क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये लीजिए। अब देखिए कि हमने सबसे पहले क्या लिखा है, आंसर। आंसर के बाद मैंने नोटिस राइटिंग डाला हुआ है हेडिंग। नोटिस राइटिंग के बाद अपन ने एक बॉक्स बनाया हुआ है, बॉक्स बनाएंगे आप नोटिस राइटिंग में। ये हमेशा फिक्स याद रखना कि क्या करना है, बिल्कुल मेन चीज़ें वो होनी चाहिए कि करना क्या है। इसका फॉर्मेट देख लो आप कैसे बनेगा, ठीक है ना? फिर मैंने ऊपर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फुल इसका कंप्लीट नेम लिखा है, कोई शॉर्ट नहीं किया। आप चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो, बड़ा नाम जा रहा है तो, नहीं तो फुल लिखें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और वो भी कैपिटल लेटर्स में, है ना, अपर केस लेटर रखने। बिल्कुल आई आई टी एस्पायरेंट डीएच मीना रेक्सी, सभी लोगों को गुड इवनिंग नमस्कार। अब देखिए यहाँ पर कि आप लोग गवर्नमेंट, अभी एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दें, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं लाइक जरूर करें। तो देखिए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोक्सी, ये आपको रखना है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोक्सी। टोक्सी मतलब ये गांव का नाम लिया हमने, और ये अपन ने स्कूल का नाम ले लिया। इसके नीचे अपन ने एक लाइन ब्लैंक छोड़ी है, देखो ये लाइन ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैंक है। फिर इधर की तरफ हमने डेट लिख दिया और इधर की तरफ हमने बार लिख दिया। तो डेट को कैसे लिखेंगे, वही 26 फरवरी 2024 कंप्लीट तरीके से। फिर एक लाइन फिर ड्रॉप किया हमने, और फिर इसके बाद में नोटिस लिखा प्रॉपरली, देखना
एक बार नोटिस लिखा हुआ है, नोटिस को मैंने डबल टाइम अंडरलाइन किया हुआ है, राइट या रॉन्ग किया हुआ है ना। इसके बाद हमने देखो इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन लिखा हुआ है, ये टॉपिक का नाम है इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, एक लाइन छोड़ करके। तो कहाँ कहाँ लाइन गैप किया, डेट के ऊपर, डेट के नीचे, नोटिस के नीचे, डेट के ऊपर, डेट के नीचे, नोटिस के नीचे, इसके अलावा आपको टाइटल के नीचे भी ये आपको लाइन ब्लैंक करनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए अपन ने लिखा ऑल द स्टूडेंट, सारे विद्यार्थी आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, सभी विद्यार्थियों को इस माध्यम से सूचित किया जाता है कि जो कार्यक्रम हो रहा है उसको अपन अंडरलाइन कर दिया। फिर विल बी हेल्ड, वो हेल्ड किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा 3 बजे, कब, 4 मार्च को इन द स्कूल कैंपस विद्यालय परिसर में। विद्यार्थी जो कि इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि इंटरेस्टेड हैं, वो क्या करें, कॉन्टेक्ट करें, वो इन द कॉन्टेस्ट, इस कॉन्टेस्ट में उनको क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा अंडर साइंड से। अब देखो मैंने तोड़ा कैसे, अंडर और साइंड दो शब्द दो जगह से तोड़ा है, अंडर अलग किया, साइंड अलग किया। आप क्या करेंगे जब ब्रेक करेंगे ना, तो इसमें ध्यान रखना कि जो दोनों साइड कुछ मीनिंग निकलना चाहिए अलग से, अंडर और साइन। ऐसे नहीं UND फिर ER नीचे आ जाएगा, है ना, ऐसे नहीं। आपको ब्रेक करना है वर्ड को जगह से, जिस जगह से एक्चुअली ये ब्रेक हो सकता है, ठीक है ना। फिर अंडर साइन करके लेटेस्ट बाय किस तारीख तक आपको लिखना है, 2 मार्च ड्यूरिंग स्कूल आवर्स फॉर सिलेक्शन टू द डिबेटिंग टीम, ठीक है ना, डिबेटिंग टीम के लिए, भाई डिबेटिंग टीम में आपको सिलेक्शन होना है, तो इस तरह से करें। फिर XYZ सेक्रेटरी, और फिर आपने नीचे क्लब का नाम दे दिया, भाई आपने XYZ क्या है, ये नाम है जो लिखेगा उसका। तो अब मैंने एक फॉर्मेट बनाया है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब ये फॉर्मेट मैंने क्यों बनाया, दरअसल क्यों बनाया, ये दिखाने के लिए बनाया कि आप लोग ये समझ पाए कि नोटिस को किस तरीके से ड्राफ्ट करना है। एक बॉक्स बनाया, अब देखिए इसको कैसा लग रहा है, ये इस तरह से देखो, डेकोरम मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ नोटिस का। एक नोटिस का डेकोरम मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत एसेंशियल होता है। तो देखो डॉक्यूमेंटेशन आप बहुत बढ़िया तरीके से करें, प्रेजेंटेशन आप बहुत बढ़िया तरीके से करें। अब नोटिस के अंदर कॉन्टेंट्स लिखना क्या क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले स्कूल का नेम, थोड़ा सा इसमें मैं हाईलाइट पॉइंट कर रहा हूं, जितने भी पॉइंट्स हाईलाइट करने योग्य हैं वो सारे के सारे कर रहा हूं। देखो सबसे पहले मैंने लिया स्कूल नेम, आप स्कूल नेम लिखेंगे, और स्कूल नेम भी कैसे लिखेंगे, इन कैपिटल, कैपिटल में लिखना है आपको, पूरे बड़े बड़े अक्षर लिखने हैं, लिख दिए कैपिटल। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि इसके बाद आपको लिखना है प्लेस, नेम ऑफ प्लेस, लोकेशन। सर ये फोन एक बार ऑफ कर लीजिए, साइलेंट कर लो। लोकेशन यहां पर ये लोकेशन देनी है, और ये लोकेशन किसकी है, ये लोकेशन रहेगी किसकी, ये स्कूल की रहेगी लोकेशन, जहां पर स्कूल सिचुएटेड है वहां उसकी लोकेशन रहेगी। अब आफ्टर लोकेशन आपको यहां देनी है डेट। अब डेट को बड़े तरीके से देना, देखो सबलाइन तरीके से देना होता है। सर ओके अच्छा क्या हाल है ये पूछ रहे हो, ठीक है मेरे तो बढ़िया है। आप देखिए इधर कि डेट कैसे आप देनी है, यहां पर डेट देखनी है, जैसे अभी 27 दिया, 27 लिख करके आपने पूरा फरवरी लिखा, एफ कैपिटल फरवरी लिख करके, और यहां पर 2024 ये आपको ईयर लिखना है कंप्लीट। इसको अंडरलाइन वगैरह मत करना है, तो मैंने वैसे ही बताया है अंडरलाइन करके, अंडरलाइन करना नहीं है। फिर इधर आपको डे लेना है, डे, अब डे का पहला लेटर कैपिटल, बिल्कुल जस्ट डेट के सामने डे लेना है, डेट के जस्ट सामने डेट आएगी इधर लेफ्ट हैंड साइड, और डे आएगा राइट हैंड साइड। क्लियर है बात, यहां तक पक्की हो गई। अब आएगा एक लाइन का गैप डेट के ऊपर, एक लाइन का गैप डेट के नीचे, एक लाइन का गैप नोटिस के नीचे। नोटिस जो है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, पूरा नोटिस कैपिटल लेटर में लिखा हो, NOTICE नोटिस। सर क्लास लैंग्वेज के लर्न है वो ही लिखे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं नहीं कोई सा भी लिख सकते, कॉन्टेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्टेंट्स आप किसी भी प्रकार का लिख सकते हैं, कॉन्टेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कॉन्टेंट्स कहीं से भी यूज कर सकते हैं। मैं और भी आपके लिए कॉन्टेंट्स लेके आया हूँ, मैं आपको बताऊंगा समझाऊंगा, आप जैसे जहां से कंफर्टेबल हो, जहां से जैसे याद हो सके वैसा की वैसा ही लिखना है, जहां से जैसे याद हो सके वैसे की वैसे लिखना है। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड, कि एक अंतर विद्यालय डिबेट कॉम्पिटिशन को हेल्ड किया जाएगा। अब इसके अंदर क्या कॉन्टेंट्स है, पहले तो कॉन्टेंट से पहले देखना है कि हेडिंग इतनी शानदार होनी चाहिए इसकी, बिना आर्टिकल के, ना AN दा कुछ भी लगाओगे, डायरेक्ट लिखेंगे इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, ऐसे नहीं द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन या एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, ऐसा कुछ नहीं लिखोगे। आपको कोई भी यहां पर किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं करना है, एक लाइन ऊपर जरूर छोड़ देना। अब देखो डेकोरम मेंटेन करने के लिए एक लाइन मैंने नीचे छोड़ी हुई है, आप छोड़ सकते हैं लेकिन मैंडेटरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। अब देखनी है सारे विद्यार्थियों को यहां इस माध्यम से सूचित किया जाता है, तो ये तो आप लाइन लिखोगे लिखोगे ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट, ये लाइन तो आप लिखी लिखी दोगे, ठीक है। इसके बाद एक अंतर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, ये आपको याद रखना है कि टाइटल आप लिखना है, फिर जैसे दैट लिख दोगे ना
तो डेट डेट के बाद कार्यक्रम क्या आयोजित हो रहा है, उद्देश्य क्या है लिखने का, वो आपको लिखना है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि टाइम वाइम लिखना, देखो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होगी, देखिए। हाँ, फिर आपको यहाँ पर क्या लिखना है, कंप्लीट आपको टाइम वगैरह अच्छे से लिखना है, डेट लिखनी है, मंथ लिखना है, कहाँ हो रहा है आयोजित। तो पहले तो कार्यक्रम का नाम, फिर बिल भी हेल्ड आयोजित किया जाएगा, कब कहाँ, ठीक है ना, और फिर क्या करना है विद्यार्थियों को, वो सारी चीजें आप लिख दें। फिर नीचे आपको एक लाइन फिर ड्रॉप करनी है, और एक लाइन ड्रॉप करके एक्स वाई जेड जो लिख रहा है उसका नाम, फिर उसका पद, और फिर उसका डिपार्टमेंट अगर दिया हुआ हो तो वो भी आप नीचे लिख सकते हो। सर नोटिस का और करना क्या आएगा, नोटिस के अलावा क्या आएगा, है ना, नोटिस और क्या, मतलब समझ में नहीं आ रहा सर, डाउट्स कैसे और कहां से क्लियर करने हैं, क्योंकि आपके नंबर पर रिप्लाई नहीं आता, प्लीज हेल्प। देखो डाउट के लिए आप स्कूल आए, 7 से 10 में स्कूल में ही रहता हूँ, या 7 बजे मैं आपको स्कूल पहुंच जाता हूँ, तो वहां आप स्कूल आ सकते हैं। और बाकी का देखो रिप्लाई तो क्या, हमें 9 बजे देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम, गंगापुर का नेट है, कोई हंसी खेल तो है नहीं, गंगापुर का नेट है, ऐसे ही चलता है। अभी भी खतरनाक कंपनियों के नेट हैं, BSNL है, एयरटेल है, ये तो आपको पता है बहुत बढ़िया सर्विसेज दे रही हैं गंगापुर में, क्या बताएं इनकी, है ना। आप देखो यहाँ पर कि सबसे पहले अपन ने एक क्वेश्चन लिया हुआ है कि अपन यहाँ पर एक तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नोटिस है 10-11, वो आप एक बार देख के जाना। एक तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट पर देख के जाना है, ठीक है, जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट पर। एक आपको देख करके जाना है डिबेट कंपटीशन पर, जो अभी मैंने बना के रखा था, ठीक है ना। एक आपको देख के जाना है एक्सकर्सन टू गोवा, गोवा की जगह कोई भी स्थान आ सकता है, इसका मतलब होता है भ्रमण, गोवा के लिए भ्रमण। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यही गोवा वाला याद करना है, आपको कोई भी और भी भ्रमण याद कर लेना है। इसके अलावा आपको जो तैयार करना है वो मेडिकल चेकअप एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट बनता है, खास इंपॉर्टेंट बनता है ये मेडिकल चेकअप, इसको तैयार कर जाना। मेडिकल चेकअप के अलावा, मेडिकल चेकअप के अलावा, सर कमेंट स्क्रीन गई, मेडिकल चेकअप के अलावा एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये आपको तैयार कर लेना है वार्षिक। अब ये इसमें एनुअल फंक्शन वाला है, ये एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद अगला है कि इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार देख जाना अगर आ जाए तो वो। इसके अलावा आप क्विज कॉम्पिटिशन देख सकते हैं, क्विज कॉम्पिटिशन और डिबेट कॉम्पिटिशन लगभग एक जैसे ही है, कोई ज्यादा टेंशन वाला नहीं है। इसमें नोटिस को अंडरलाइन जरूर करना है ना बेटा, छोड़ना मत नोटिस को अंडरलाइन किए बिना। आगे देखना, अगला क्वेश्चन जो है वो है अगला आपका फ्रेंडली क्रिकेट मैच का है, इसको भी तैयार कर जाना। कौन सा मैच है, फ्रेंडली क्रिकेट मैच, और इसमें सब लिखा हुआ है, मैं आपको ये पूरे पूरे नोट्स PPT के रूप में नीचे दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप घर पर तैयार कर लेना। एक है स्वच्छ भारत अवेयरनेस कैंप, ये आप इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, सरकार के हिसाब से ये चेंज होता रहता है, ये आप लगा लीजिए। अब सरकार के हिसाब से मैंने ये लिख दिया है, सर रिप्लाई भी आज होगा क्या, बिल्कुल रिप्लाई भी आज ही हो जाएंगी, आज सारा मैटर हो जाएगा ये कंप्लेंट, है ना। फिर देखो ब्लड डोनेशन कैंप पर आपको दिया हुआ है, इससे बाहर नहीं जाएगा नोटिस, तैयार कर लेना, इनसे बाहर नोटिस नहीं जाएंगे, आपको घर पर जितने भी मैं नोटिस बता रहा हूं उनको तैयार कर लेने हैं। यू आर नॉट टू मिस इवन अ सिंगल नोटिस, यू आर ओके सर। नोटिस और लेटर के PDF मिल जाएंगे क्या देवता, हमने नोटिस कल लेटर पढ़ा दिया, लेटर की PDF डाल दी है, अब आज नोटिस की PDF मिल जाएगी। आगे देखिए कि आर्टिकल्स फॉर मैगजीन, ये भी इंपॉर्टेंट बनता था किसी जमाने में, आजकल तो ये बुढ़ापा हो गया इसका, बूढ़ा हो गया ये, आता नहीं है कि भाई मैगजीन के लिए आर्टिकल्स मंगवा रहे हैं अपन, बच्चों से कह रहे हैं बच्चों पार्टिसिपेट करो, आर्टिकल्स लिख के भेजो अपने न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल कृष्णा गुप्ता, रिपोर्ट में नाम लिखना है, दिया हुआ हो तो नाम लिखना है दोस्त। देखिए यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हुआ, अब मतलब नोटिस राइटिंग का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब मैं चलता हूँ किस पर, आपके विज्ञापन, विज्ञापन से पहले अपन रिप्लाई देख लेते हैं, है ना, क्या विज्ञापन देखोगे पहले, चलो एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। चलो एडवर्टीजमेंट कैसे लिखने होते हैं, देखो एडवर्टीजमेंट का कोई तरीका नहीं है, रैंडम तरीका है। अगर आपके नोटिस और रिप्लाई अगर ऑप्शन में आ रहे हैं, जैसे एक तरफ तो एडवर्टीजमेंट आ गया और एक तरफ नोटिस आ गया या फिर रिप्लाई आ गया, तो आप नोटिस और रिप्लाई पर ज्यादा ध्यान देना बजाय एडवर्टीजमेंट लिखने के, मार्क्स अच्छे मिलते हैं किसमें, नोटिस में और रिप्लाई में। बाकी का रिप्लाई मतलब इन्विटेशन का जवाब, तीन टॉपिक है ना आपके पास, एक तो रिप्लाई है, एक आपके पास नोटिस है, और एक आपके पास क्या है, आप एक एक आपके पास एडवर्टीजमेंट है। तो आप विशेष फोकस किस पर करेंगे, नोटिस पर और रिप्लाई पर, और खास ध्यान देना नोटिस पर, अगर नोटिस आए तो नोटिस ही करना है और बड़े सुंदर ढंग से करना है, नोटिस को कतई स्किप मत करना,
कि नोटिस कितना भी टफ आए लेकिन मैक्सिमम लैंग्वेज तो उसकी क्वेश्चन में ही आ जाती है, तो मैं क्वेश्चन में से ही चीजें सेलेक्ट कर करके पिकअप करके के उठा के रखते जाना, बाकी की चीजें क्या है आप लोगों को खुद को थोड़ी सी एक आध दो लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी, बाकी नोटिस में 4 मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं पूरे और मिलते हैं, ये भी ध्यान रखना इसमें कटते कम है मार्क्स। बाकी का अगर अपन बात करें एडवर्टीजमेंट की, एडवर्टीजमेंट में कट जाते हैं क्योंकि हमें इसमें टेक्स्ट लिखना पड़ता है काफी सारा। सर पोटाक्रॉस एक्सप्रेस करना बिल्कुल है, देखिए यहां पर अगर हम देखें यू आर, देखो इसमें क्वेश्चन कैसे दे रखा होता है कि तुम मनीषा हो और कहां रहते हो 10 राजाजी नगर बेंगलोर में, यू वॉन्ट अ मैथ्स टीचर, तुम्हें एक मैथ टीचर चाहिए फॉर योर सन तुम्हारे बेटे के लिए, और हुई जा क्लास 10th स्टूडेंट, जो क्लास 10th का स्टूडेंट है, एक सुटेबल एडवर्टीजमेंट दीजिए जो कि 50 शब्दों से ज्यादा ना हो, ठीक है ना, स्टेटिंग योर रिक्वायरमेंट और तुम्हारी अपनी रिक्वायरमेंट तुम बता दीजिए, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे कि ऊपर लिख दिया सिचुएशन वैकेंट, क्या लिख दिया ऊपर सिचुएशन वैकेंट, ये कैपिटल में लिखना है, ठीक है ओके। तनिष्क आ सकते हैं, यू आर वेलकम, ठीक है ना। देखिए यहां पर सिचुएशन वैकेंट की बात करें, सिचुएशन वैकेंट यानी कि नौकरी बिल्कुल खाली है, मतलब जगह खाली है। अब ये लिखना है सिचुएशन वैकेंट तो तब लिखना है जब आप जॉब, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए लेकिन टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है सिचुएशन वैकेंट, ये याद रखना है कब, जब आपको नौकरी आपके पास है और आप किसी व्यक्ति को नौकरी देना चाहते हैं। तो देखिए एन एक्सपीरियंस्ड मेल मैथ टीचर, कैसे लिखा है, एक अनुभवी मेल पुरुष, ये लिखना पड़ेगा आपको, तो एक्सपीरियंस ये वर्ड याद रखना। अब आपको क्या बदलना है, आप रट सकते हो इस चीज को, देखो ये आप हमेशा लिखें, आपको वो टीचर बदले सब्जेक्ट बदले तो मैथ की जगह इंग्लिश लिख देना, मैथ की जगह पॉलिटिकल साइंस लिख देना, हिंदी लिख देना, जिस सब्जेक्ट का वो टीचर मांगे, एज अ प्राइवेट ट्यूटर, अब प्राइवेट ट्यूटर की जगह आप एक रेगुलर टीचर लिख सकते हो, प्राइवेट ट्यूटर की जगह जैसे किसी संस्था में जरूरी है तो रेगुलर टीचर लिख सकते हो, ठीक है ना, ये आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर अपन बात करें, ठीक है ना, एक मिनट सर, इसके अलावा अगर बात करें 4 and 10th standard boy, एक 10th standard boy के लिए अपन ने बता दिया भाई किसके लिए चाहिए, और ये लाइन दे दी देखो कि ये मैथ टीचर चाहिए फॉर योर सन, तो सन की जगह अपन ने यहां लिख दिया क्या, सन की जगह लिख दिया कैंडिडेट बॉय, बॉय के लिए लिख दिया, और उधर लिख दिया क्लास 10th का है तो यो की तो हमने ये लिख दिया, ठीक है ना। फिर कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 10 years एक्सपीरियंस, अब अपन ने एक्सपीरियंस मांगा इतना, ये लाइन लिख सकते हो, यो की यू ही लिखना बिल्कुल, और टीचिंग मैथ की जगह इंग्लिश लिख देना, अगर मान लो कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए तो ऑफ वर्किंग है ना, या ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर इन ए पब्लिक स्कूल में, ई शुड बी अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेशन डिसिप्लिनेरियन टू बी एबल टू डील विद द स्टूडेंट, उसको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए जिससे कि वो स्टूडेंट से डील कर सके, ऑन अ स्टर्न नोट, एक सख्त नोट पर, बच्चा बदमाश है, ठीक है ना। रिम्यूनरेशन जो होगा पारिश्रमिक कहते हैं इसको, मतलब भुगतान, कोई कॉन्स्टेंट नहीं है उसके, मतलब कोई बंधन नहीं है, आप 10,000 मांग सकते हो, 12,000 रुपए मांग सकते हो, कोई पैसे की कोई लिमिट टेंशन नहीं है, फॉर द राइट कैंडिडेट, सही कैंडिडेट के लिए, मतलब आप ये लिख सकते हो। रिम्यूनरेशन होता है पारिश्रमिक, वेतन, वेतन भत्ता, तो वेतन भत्ता जो है आप, कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, कोई बाधा नहीं है किसी को, आप आराम से जैसे सही कैंडिडेट हो तो सही मिलेगा। अप्लाई विद कंप्लीट डिटेल्स, आप पूरी डिटेल्स के साथ अप्लाई करें मनीषा के लिए, और किस एड्रेस क्या है, ये 10 एड्रेस दे दिया आपको, आप कॉन्टेक्ट नंबर भी दे सकते हैं, और कॉन्टेक्ट ऐसे लिख के, और कॉन्टेक्ट CONTACT कॉन्टेक्ट लिख करके आप नंबर जब देंगे, ठीक है ना, तो आप ऐसे देंगे जैसे 9414 ……, लास्ट में 00, ऐसे आपको कॉन्टेक्ट नंबर देने हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर कंप्लीट मत दे देना भैया, बिल्कुल मनोज कुमार नमस्कार, एडमायरिंग चेकर्स गुड नाइट, भैया गुड नाइट, जाओ सो जाओ, पेपर देने आना, ठीक है। आगे देखो, अब आते हैं अपन अगले पेपर, अगले क्वेश्चन पर। यू वॉन्ट टू सेल योर न्यूली बिल्ट कार, 4 तरह के 5 तरह के एडवर्टीजमेंट है, मैं 5 तरह के एक एक लेके आया हूं, फिर रिप्लाई पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखो ये क्या कह रहा है कि यू वॉन्ट टू सेल योर न्यूली बिल्ट कार फ्लैट, तुम अभी हाल ही में एक फ्लैट बनाया तुम्हारा, उसको तुम सेल करना चाहते हो, कोई कारण होगा। ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टीजमेंट, एक उपयुक्त एडवर्टीजमेंट को ड्राफ्ट कीजिए इन नॉट मोर देन 50 वर्ड, जिसमें शब्दों की संख्या 50 से ज्यादा ना हो, एंड टू बी इंटरेस्टेड इन द क्लासिफाइड कॉलम्स, और आप क्लासिफाइड कॉलम में दीजिए, किसके में, द हिंदू में, गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल, सारे आवश्यक डिटेल दे दीजिए, यू आर निरंजन, तुम निरंजन हो, और तुम्हारा एड्रेस ये है जेपी नगर बेंगलुरु, बेंगलुरु के हैं सारे साहब। सर जैसे आपने क्लास में कराया था ये सिचुएशन वैकेंट का, वैसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं साहब ये। अब मैंने क्लास में क्या कराया था, सब क्लासेज में थोड़ा थोड़ा डिटेल मैंने अलग अलग तरीके से लिखाया है भाई,
सर एडवर्टीजमेंट का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, राजाराम बोलो बिल्कुल नहीं है। तभी तो मैंने कहा मार्क्स में थोड़े से लोचे पड़ सकते हैं भाई, जिस चीज का फॉर्मेट नहीं है उसके मार्क्स में लोचे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे बताओ। फिक्स फॉर्मेट नहीं है, एग्जामिनर के मूड की बात है, पसंद आया तो करेगा, चेक नहीं आया तो गलत देगा, मार्क्स काट देगा। तो इसलिए नोटिस पर ज्यादा फोकस करना, रिप्लाई पर ज्यादा फोकस करना, जो कह रहा हूं वो काम ज्यादा करना। देखिए अब आपको क्या करना है, फ्लैट फॉर सेल लिख दिया मैंने, फ्लैट फॉर सेल। देखो न्यूली बिल्ट, अभी अभी बनाया हुआ है, आइडियली लोकेटेड है ना, ये सेम सिस्टम लिखना है आपको बिल्कुल। कहीं मतलब थोड़ा सा भी चेंज हो तो वो बस उसमें ही चेंज करना, बाकी का रट के जाना। फ्लैट फॉर सेल, फ्लैट है किसके लिए, सेल के लिए, ऑन एमजी रोड। कहाँ है ये रोड दे दिया हमने, क्या है इसके अंदर, बेडरूम्स 2 हैं, इसके बाद अटैच टॉयलेट्स हैं, ह्यूज ड्रॉइंग ड्रॉइंग कम डाइनिंग रूम है और सर्वेंट रूम भी है, स्पेसियस है, वेल लिट है, काफी मतलब पूरी तरह से जागृत है, मतलब उजाला आ रहा है इसके अंदर। बियरली 10 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द एयरपोर्ट, केवल 10 मिनट की ड्राइव लगेगी एयरपोर्ट से। इनक्लोज विसिनिटी, बिल्कुल विसिनिटी होता है क्षेत्र, एरिया, ये बिल्कुल नजदीकी एरिया में है, ऑफ रेपुटेड स्कूल, रेपुटेड स्कूल्स के एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और पास में ही हॉस्पिटल भी है, मतलब अगर बीमार हो जाओ तो चले जा सकते हो। एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है, अब देखो प्राइस रुपए का सिंबल है, गलत टाइप हो गया, रुपए का सिंबल है, 25 लाख रुपए साहब, बहुत कम कीमत में दे रहे हैं अपन। देखिए कॉन्टेक्ट करो निरंजन से, ठीक है ना, ये एड्रेस पर, और आप कॉन्टेक्ट ऐसे भी दे सकते हैं, वही तरीका 9414 XX XX 00, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है नोटिस को लिखने, ये अपने एडवर्टीजमेंट को लिखने का। प्री बोर्ड की कॉपी कल आएगी, अच्छा अपने यहाँ कोचिंग में अगर जिन्होंने बच्चों ने प्री बोर्ड दिया हुआ है उनकी कॉपियां चेक हो चुकी है, कॉल भी जा चुके हैं, आना ना आना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, कॉपियां चेक हो चुकी हैं, आप आ सकते हैं लेने के लिए, ले जाइए कॉपी आकर के कल, ठीक है ना। कॉपियां चेक हो गई है सभी बच्चों की, जिन बच्चों ने टेस्ट दिए हैं उनकी कॉपियां कंप्लीट चेक हो चुकी हैं। आगे देखिए 3-2 दिन से चेक कॉल कर रहे, कल परसों कॉल हुए थे, ठीक है ना। यू आर द जनरल मैनेजर, तुम जनरल मैनेजर हो ऑफ ईवीएल कंपनी के। अब अपन क्या, घर चाहिए अब अपन को, वहां पर बेचा था अपन ने मकान, अब यहां पर घर रहने के लिए चाहिए। तो देखो तुम क्या जनरल मैनेजर हो ईवीएल कंपनी के, जो कि पोस्ट बेंगलोर मनाती है कंपनी में, है ना, मतलब इन कंपनी लीज पर। तुम्हें गेस्ट हाउस के लिए क्या चाहिए, कंपनी चाहिए, मतलब लीज के लिए चाहिए मकान जिसमें कंपनी के लोग रहेंगे। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट, एक एडवर्टीजमेंट लिखो जिसमें 50 शब्दों से ज्यादा ना हो, और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। अब सर अखबार का नाम तो दिया ही नहीं हमने, तो अखबार का नाम ऊपर की तरफ लिख दिया करो, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। अकोमोडेशन रिक्वायर्ड, तो देखो ईवीएल कंपनी जो है उसको पोस्ट बंगलो चाहिए, किसके लिए, गेस्ट हाउसेस के लिए, अपने एग्जीक्यूटिव के लिए, बाय देयर एग्जीक्यूटिव एंड गेस्ट, जो किसके लिए यूज किए जाएंगे, गेस्ट और एग्जीक्यूटिव के लिए, मतलब उनके मेहमान आएंगे और उनके जो कार्य करेंगे वो लोग आएंगे। अकोमोडेशन जो है एक सेंट्रली लोकेटेड है, पोस्ट एरिया में है, और पावर वैक फैसिलिटीज हैं, अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई रहेगी इसके अंदर, और जरूरी है ये मिलनी चाहिए। क्लोज प्रॉक्सिमिटी जो है टू द मार्केट, मार्केट से बिल्कुल नजदीक हो, विल बी प्रेफर्ड, वो भी प्रेफर होगा। ओनर्स प्लीज कॉन्टेक्ट, जितने भी मालिक हैं जिनके ऐसे मकान है वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जनरल मैनेजर ईवीएल कंपनी का दिल्ली, आप कॉन्टेक्ट नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं, मैं डीएस साइंस अकेडमी में पढ़ाता हूँ, डीएस साइंस अकेडमी, अच्छा। एक पूछ रहा कॉस्मोस से कितना कमाते हो, क्यों भाई इनकम टैक्स की रेट बैठाएगा क्या, अरे इनकम टैक्स की टीम तो नहीं लगा देगा मेरे पीछे, कहीं ईडी चल रही है कई जगहों पर, कहीं तो मेरे ऊपर बैठवा दे, दादा फ्री में दे रहा हूँ क्लास। देखो यू वॉन्ट टू रेंट आउट योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट, वही रेंट आउट देना है इसमें, तो सिंपल वही प्लान, मतलब प्लान वही है बस, अब यहाँ पर हम बेचेंगे नहीं, यहाँ पर वो सारा सिस्टम बताएंगे, रेट नहीं बताएंगे, 25 लाख हम जो कहेंगे रेंट इतना है पर मंथ। आप ये बता सकते हैं कि इसमें आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी और वाटर जो चार्जेस है वो इंक्लूड है रेंट में, आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अपना जो और एडवर्टीजमेंट, लॉस्ट एंड फाउंड, खरीद और ये खोया पाया, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एग्जाम में आ जाए तो ये तैयार कर लेना है आपको, लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है। देखो लॉस्ट एंड फाउंड क्या है, समझ लो लला कि क्या खोया है, देखना खोया क्या है लॉस्ट एंड फाउंड में, ये क्या क्वेश्चन क्या पूछा देखना, तुम्हारा क्या है, लेदर पर वॉलेट खो गया, अरे चमड़े का पर्स खो गया साहब, उसके अंदर एग्जामिनेशन एंट्री टिकट रखा हुआ है, गंगापुर में खोया होगा तो नहीं मिलेगा भाई, सब जगह मिल सकता है। 12th क्लास का एंट्री कार्ड है, जब ट्रेवल कर रहे थे ना बस में तब खो गया,
ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, नोटिस लिखना है, वो एडवर्टीजमेंट लिखना है और पैसे मांगने, मतलब वॉलेट मांगना है। अब देखो आपको लॉस्ट लिखना है, फाउंड मत लिख देना है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये गलत हो गया, एक मिनट इसको हटा देता हूं मैं। लॉस्ट 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 तीन बार लिख देना आप, ठीक है ना। क्या लिख देना, तीन बार लॉस्ट फिर एक्सक्लामेशन मार्क, एक मिनट लॉस्ट फिर एक्सक्लामेशन मार्क, फिर लॉस्ट फिर एक्सक्लामेशन मार्क, फिर लॉस्ट, तो खो गया ना इसलिए दुख हो रहा है बहुत, तो तीन बार एक्सक्लामेशन मार्क लगा देना। सर इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट कौन सा है इनमें से मोस्ट? ओहो वेरी गुड क्वेश्चन भाई साहब, पांच लाया हूं टोटल, अब उसमें से क्या इंपॉर्टेंट लगाऊं? तुम्हारे कई सारे एडवर्टाइजमेंट से जिनमें से पांच सात लाए हो यार भाई साहब, इनको पढ़ लेना, और ये भी पढ़ाऊं नहीं आए तो इनमें से ही बता दूंगा, धैर्य रखो, और नहीं आया तो कहीं चप्पल जूते लेकर के मेरे पीछे मत पड़ जाना, समझ लो क्या ने कहने का मतलब, पांच सात है यार इनको पढ़ लो दादा, क्यों पीछे पढ़ रहे हो सर इंपॉर्टेंट? अरे इंपॉर्टेंट लाया हूँ काका, चार को चार नंबर का मैटर है, इंपॉर्टेंट लाया हूं। देखो हाँ इधर देखो, लॉस्ट 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 ए ब्लैक लेदर, इसमें ब्लैक लेदर का जो लेडीज वॉलेट है वो खो गया है, अब तो लौटा देगा कोई, ठीक है। कंटेनिंग माई एग्जामिनेशन एंट्री टिकट, इसमें मेरा एग्जामिनेशन एंट्री टिकट रखा हुआ था क्लास 12th के लिए, ट्रेवलिंग ऑन बस रूट नंबर ये कहाँ से कहाँ तक, और ये आप पूरा बता देंगे, ये सुटेबल रिवॉर्ड फॉर फाइंडर, रिवॉर्ड नहीं बताया, रिवॉर्ड भी बता सकते हैं आप, है ना। बिल्कुल अमन सही कह रहा है, ये पढ़ लेगा सारा, ये नहीं छोड़ेगा कुछ भी। देखो सुटेबल रिवॉर्ड जो है फाइंडर के लिए, अब दे सकते हैं कि रिवॉर्ड ऑफ जैसे 500 रुपीज का जो रिवॉर्ड है वो सुटेबल रिवॉर्ड है, क्या करेगा उसमें पैसे तो थे नहीं, तो वॉलेट लौटाने में फायदा है, ठीक है। आगे देखो अगला क्या है, मोटर बाइक फॉर सेल, यहां पर आप देख लेना किस तरह से मोटर बाइक बेचनी है, कभी आपके भी काम आ सकता है। आगे देखिए ये अगला है सिचुएशन वांटेड, यहां पर अपन को नौकरी चाहिए, हमारे पास एबिलिटी है, योग्यता है, डिग्री है, डिप्लोमा है, अब हमको चाहिए नौकरी साहब, क्या चाहिए हमको? नौकरी चाहिए, तो मैं नौकरी के लिए आपको किस तरीके से लिखना है ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए यू हैव रिटायर्ड फ्रॉम अ बैंक, तुम एक बैंक से रिटायर्ड हो, आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ सर्विस, 30 साल की सेवा तो कर ली, बड़ा बूढ़ा आदमी है लेकिन बेटा देखो जुनून जॉब का है, एंड आर लुकिंग फॉर ए जॉब, और जॉब की तलाश कर रहे हो अभी, यानी 25 साल की उम्र में जॉब लगी होगी मान लो, 30 साल करते करते हो गए 55 साल का आदमी, अब जब भी तो जो युवा लोग हैं वो बेरोजगार हैं, ऐसे लोग करने कहां देते हैं इनको काम, ठीक है ना। ब्रोकन गेमिंग पूछ रहे हैं सर, डेस्क वर्क पड़े तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये कोई मेडिसिन थोड़ी है कि अगर सर हम ये ले लेते तो उसके साइड इफेक्ट तो नहीं है, अरे भाई डेस्क वर्क पढ़ लोगे तो काम आएगी तुम्हारे, बिल्कुल। देखिए ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स, एक विज्ञापन लिखो 50 शब्दों में, ठीक है ना। अच्छा क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह सब देना है आपको, अपनी क्या क्या आपके पास एबिलिटी है वो सारी देनी है। एक कह रहा सर मोदी जी की गलती है, क्या गलती है मोदी जी, क्या बोलना चाह रहे हो तुम, साफ साफ बोलो। सर नेटवर्क प्रॉब्लम आपके यहाँ हो रहा है बेटा, मेरे यहाँ तो बढ़िया चल रहा है, देखो मैं भी दिख रहा हूँ साइड में। सर वन शॉट क्लास कब लोगे? वन शॉट क्लास मतलब कौन सी क्लास लेना चाह रहे हो, कोडिंग किंग? बेरोजगारी, बेरोजगारी भाई पढ़ रहे हैं जिनकी नौकरी लग रही है दादा, जो नहीं पढ़ रहे उनकी कहाँ लग रही है, अब आप किस में हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं सर इतने नोटिस कैसे याद करें इतने कम टाइम में, नोटिस याद नहीं करने होते भाई, फॉर्मेट तैयार करने होते राजा राम मीना, फॉर्मेट तैयार करने होते नोटिस का, मैक्सिमम लाइन तो उसी में आती है, एक दो लाइन आप खुद की तरफ से याद कर जाना यार, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। और एक साल क्या किया था तुमने? ओ हाँ मैंने ये तो कहना ही भूल गया था, एक साल क्या किया था सर? ठीक है सही कह रहा है, एक टाइम पास करें बेटा। देखो रिटायर्ड बैंक जो ऑफिशियल है उसको जॉब चाहिए भैया, सीनियर अकाउंटेंट का एक फर्म में, और उसने मास्टर्स डिग्री प्राप्त पूरी कर ली कॉमर्स में, और 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है वर्क करने का एक नेशनलाइज बैंक में, जॉब प्रोफाइल जो है वो मैनेजिंग और मेंटेनिंग लॉग बुक्स की है, अकाउंट बैलेंस की है, कांटेक्ट करो सुनील को, और एट आप ऐसे नंबर और दे दो कि किस नंबर पे कांटेक्ट करना है, नंबर आप यहाँ दे सकते हैं क्रॉस 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 करके, ठीक है। अगला देखिए, अगला टू लेट है, वही आवास देना मतलब घर देने के लिए, टू लेट किराए पर देना है तो, फोर परचेज खरीदने के लिए, वहां पर ने बेची थी मोटरसाइकिल, बेची थी फ्लैट बेचा था, यहाँ पर ब्राइड वांटेड दुल्हन चाहिए, ये देख लेना आप, दिसंबर में क्लास लगी है सर आप, ओके सर कैन आई कंप्लीट द होल इंग्लिश सिलेबस इन अ डे?
लविश ये तेरा क्वेश्चन बढ़िया है यार। आंसर मैं बताऊं कैसे कर सकते हो आप, एक दिन में पूरा कैसे करते हो, गहरी नींद सो जाओ, बहुत गहरी नींद सोना पड़ेगा इसके लिए, ड्रीम आना चाहिए, सपने में पूरा हो सकता है। बस जिस काम को तुम साल भर में नहीं कर पाए उस काम को एक दिन में कैसे करोगे, ठीक है ना। हाँ तनिष्क तेरा भी सही है, एक दिन में पूरी इंग्लिश को कैसे करें, ये कोई वो फिर मेरे को वीडियो बनानी पड़ेगी, एक वो आती है ना आजकल शॉर्ट वीडियो, क्या हो बताओ, देखो एक क्रीम लगाई, ये एक दिन पहले इतना गंजा था, क्रीम लगाती है देखो कितना बाल आ गए घने। हाँ ठीक है ना, कैसे मतलब बाल आ गए घने, ऐसे जैसे कहते हैं ना कि देखो ये कल था इतना काला, ये क्रीम लगाई और देखो क्या कितना हो गया गोरा, ये क्रीम इतनी कमाल की, अगर आप यही क्रीम आप प्राप्त करना चाहते हो तो अभी ऑर्डर करें, तो ऐसा कोई ट्रिक आपको लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। हाँ कि देखो अगर आप एक दिन में अगर अंग्रेजी पूरी एक दिन में कवर करना चाहो कोर्स को तो क्या करें। तगड़े हो यार तुम भी, बड़ा मजे ले रहे हो मेरे से। देखो एक विज्ञापन लिखो मैट्रिमोनियल कॉलम के लिए, एक आपको मैट्रिमोनियल कॉलम बनाना है, वैवाहिक कॉलम कहते हैं, मैट्रिमोनियल का मतलब होता है वैवाहिक, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए ऑफ ए नेशनल न्यूज़पेपर फॉर ए हाईली प्लेस्ड आईटी प्रोफेशनल सेटल इन द यूएस, मतलब आपको क्या करना है कि एक व्यक्ति है जो आईटी प्रोफेशनल है, जो यूएस में सेटल, यूएसए में सेटल हुआ है और वो ब्यूटीफुल एजुकेटेड कल्चर एंड टॉल गर्ल ऑफ गुड स्टेटस राजपूत फैमिली चाहता है, ठीक है ना। तो उसने जो चीजें देनी थी वो दे दी कि किस तरह की लड़की चाहिए, तो ब्राइड वांटेड दुल्हन चाहिए, ये तो लिख ही दोगे आप। फिर अलायंस ये लिखना है आपको, ये थोड़ा कैपिटल में लिखना है यार, मैंने यहाँ पर ये बोल्ड में ये थोड़ा सही करना भाई हो, ठीक है क्या। अलायंस को आपको कैपिटल में लिखना है, देखो मैं लिख देता हूँ, ये देखिए अलायंस को आपको कैपिटल में लिखना है, यहाँ पर स्मॉल में लिखा हुआ था, LLIANCE अलायंस, यहाँ पर कैपिटल में लिखा हुआ, स्मॉल में लिखा हुआ था, मैंने कैपिटल में लिख दिया सर, ठीक है ना। तो देखिए अलायंस करे इनवाइटेड है, अलायंस इनवाइटेड है मतलब जो उपयुक्त जोड़े हैं वो आमंत्रित हैं, किसके लिए, हैंडसम सुंदर एंड कल्चर्ड और संस्कृत सुसंस्कृत आईटी प्रोफेशनल के लिए जो 28 साल का है, 6 फीट लंबा है, तगड़ा ही लंबा ही है। एनआरआई है, सेटल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज सीईओ, ये सीईओ है ऑफ ए रेपुटेड फर्म, एक रेपुटेड फर्म का, एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल हाईली मतलब एक बिल्कुल अपवादी है, मतलब सब लड़कियों से अलग सुंदर, सबसे सुंदर हाईली क्वालिफाइड गर्ल चाहिए, लगभग 21 से 25 के बीच की हो और लगभग 5 फीट 6 इंच के लगभग लंबी हो, ठीक है ना, एटलीस्ट कम से कम इतनी तो हुई, क्योंकि लंबा आदमी है, 6 फीट का आदमी है। ओनली स्टेटस राजपूत फैमिली, केवल स्टेटस में राजपूत फैमिली होनी चाहिए, डिटेल भेजो, फोटो भेजो, जीमेल आईडी दे देंगे, जीमेल आईडी यहाँ पर अपन ने क्रॉस की हुई है, आप जीमेल आईडी पे ही काम करवाएं, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट नंबर इसमें मैट्रिमोनियल में देना मत। देखो फिर यहाँ ब्राइड ग्रूम वॉन्टेड है, दुल्हा चाहिए, दुल्हा चाहिए मैं सर, सर की वीडियो को लाइक करें भाइयों, बिल्कुल लाइक करो यार, एक बार लाइक तो कर दो, है ना, क्योंकि सब पसंद ही नहीं आ रहे जब लाइक कैसे करें, और जो कि सर हमको तो इतने पसंद आए, हमने तो डबल डबल वार कर दिया, तो भाई डबल वार, डबल वार करने पर क्या होता है, अनलाइक हो जाता है, ठीक है, एक बार लाइक कर दिया फिर आपने हटा दिया तो फिर इसका मतलब वापस से वैसे ही हो गया। हाँ देखिए ब्राइड वॉन्टेड, दुल्हन चाहिए, ब्राइड ग्रूम चाहिए, अब देखिए ब्राइड ग्रूम के लिए प्रपोजल्स जो है इन्वाइटेड है, एक ब्राह्मण सांडिल्य गर्ल के लिए, 24 साल की है, 157 सेंटीमीटर जो इसकी हाइट है, वर्किंग एज मैनेजर इन ए लीडिंग पब्लिशिंग कंपनी, लीडिंग एक मतलब उभरती हुई पब्लिशिंग कंपनी, उसके अंदर एक मैनेजर है, इनकम इन 7 फिगर्स, 7 फिगर्स में इनकम है पर एनम, है ना। पेरेंट्स जो है बिजनेस इन मुंबई, पेरेंट्स का बिजनेस मुंबई में है एंड ओवरसीज और बाहर भी है, प्रोफेशनल विदेश में भी है, प्रोफेशनल बॉय जो है जिनके बिजनेस बैकग्राउंड है वो प्रेफर्ड है, अर्ली मैरिज, ठीक है ना, ईमेल प्रोफाइल एंड अर्ली मैरिज के लिए मतलब अर्ली मैरिज होगी और ईमेल प्रोफाइल एंड फोटो जो है वो शर्मा डॉट 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 जो भी है अंडरस्कोर वगैरह LL करके gmail.com पर भेज दें, ये करना है सर। मैंने मेरे चाचा के लिए अखबार पढ़ा था, गलती से खुद की तो नहीं बोल रहा, हाँ खुद की, कई बार होता है खुद की बोलता है, मतलब खुद के लिए देख रहे होंगे, चाचा का नाम ले रहे हो, बड़ा बदमाश है यार अभी से ही। हाँ तो ये देखो ये यहां पर आपके एडवर्टीजमेंट कंप्लीट हो गए, अब अपना एक ही पोर्शन बच रहा है मेरे भाई, अब केवल एक ही पोर्शन बच रहा है जो हमको करना है, और वो पोर्शन क्या है हमारा, इनविटेशन की रिप्लाईज। अब रिप्लाईज को पहले तो मैं लिख के लाया हूँ भाई, मतलब मेरे हाथों से लिख के लाया हूँ, उसको कैसे करना है सर, उसको कैसे करना है। तो आपके नोटिस मैंने आपको कंप्लीट करा दिया आज, आपने नोटिस भी देखे, इसकी पीपीटी आपको मिली जाएगी, इसके बाद हमने एडवर्टीजमेंट देखे, एडवर्टीजमेंट कर ही लिए,
अब बिल्कुल करने चाहिए आज की वीडियो पर 100 पार, लेकिन अब कैसे करेंगे ये मुझे नहीं पता। और कल मैं आपको पूरी पूरी कॉपी दिखाऊंगा, पूरी पूरी कॉपी तैयार करके, पूरी पूरी कॉपी जो है मैटर कंप्लीट कि इस तरह से लिखना है, इस तरह से नहीं लिखना। लास्ट कल फिनिशिंग टच रहेगा सीन अनसीन पैसेज के साथ, कल फिनिशिंग टच रहेगा। कल मैं उम्मीद करता हूं कि आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स आएंगे, और कल के दिन आधा घंटे 1 घंटे में हम जो कॉपी का एनालिसिस करेंगे वो आप देखेंगे। फिर उसके दिन 4 4 दिन आप लगातार प्लेलिस्ट मैंने बनवा दी है वीडियो की, आप प्रॉपरली देखिए कि कौन कौन से पार्ट मैंने वन बाई वन पढ़ाए, नीचे सबकी पीपीटी डाल दी है। किसी बच्चे को किसी प्रकार की टेंशन नहीं होनी चाहिए, सब रिपीट करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए मैंने डिस्कस आपके साथ, और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। तो इनको आप तैयार कर लेना, बस इतनी सी वो है आपसे। 3 दिन आपके पास है आराम से, जैसे आज 27 है, कल 28 है और परसों 29 है, तो मैं 28 को कल खत्म कर दूंगा पूरा कंप्लीट मेरी तरफ से। तो 29 के बाद 1 2 और 3 आपके पास ये 4 दिन है। 4 दिन खूब रिपीट मारिएगा, वीडियोस देखिएगा, वीडियो नहीं देखो तो पीपीटी देखिएगा, जितना आपको जैसा टाइम मिले वैसा आप अपने आप को प्रिपेयर करना। देखिए अब लिखना नहीं है आपको कुछ भी, आपको सारा लिखा लिखाया मिलेगा। अब देखिए यहां पर 1 मिनट, देखिए आपको जब भी रिप्लाई लिखना है तो आपको ऊपर तो हेडिंग डालनी है कि आप लिख क्या रहे हो, फॉर्मल लिख रहे हो या इनफॉर्मल लिख रहे हो। तो आपने ऊपर डाल दिया फॉर्मल रिप्लाई। फिर आपको एक कैपिटल लेटर में लिखना है रिफ्यूजल है कि एक्सेप्टेंस है, यानी कि आप मना कर रहे हो कि हाँ कर रहे हो, मतलब आप कार्यक्रम में जा रहे हो, आप कार्यक्रम में जा रहे हो तो आप हाँ कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, और आप नहीं जा पा रहे हो तो आप रिफ्यूज करोगे, ठीक है ना। ओके क्लास कल कल और लगेगी, बस कल क्लास फाइनल हो जाएगी। ओके ठीक है ना, सब बिल्कुल फाइनल हो जाएगी कल क्लास। तो देखिए आप फॉर्मल रिप्लाई कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो देखो मैंने क्या लिखा है, कहाँ क्रॉस कैसे कैसे किया। देखो एक भी एडिटिंग एक भी कटिंग नहीं है। पहली बात तो कॉपी का इतना शानदार डेकोरम होना चाहिए कि कटिंग ने के बराबर हो, ने के बराबर एडिटिंग हो, और एडिटिंग भी हो तो कैसे हो। अब मैं एडिटिंग का तरीका बताता रहा हूँ आपको, सारी चीजें एडिटिंग का तरीका बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कि मान लो रिफ्यूजल और एक्सेप्टेंस अपन को करने हैं, राइट। सारी मैं लेके भी आया हूँ कुछ तरीके, है ना, रिफ्यूजल और एक्सेप्टेंस आपको करने हैं। तो एक तो पहले बॉक्स बनाएंगे चारों तरफ, सबसे पहले एक डेट लिखेंगे, लिख दिया अपन ने 27 फरवरी, एक सबसे पहले डेट लिखेंगे। फिर डेट के नीचे लाइन छोड़नी थी, लेकिन मैंने गलती से क्या लिख दिया, मैंने गलती से लिख दिया मिस्टर, लिख दिया। अब गलती हो गई मिस्टर में, अब मिस्टर तो यहां आना ही नहीं था, अगली लाइन में आना चाहिए था। तो तुम क्या करोगे और मैं क्या मैंने क्या किया है। ओके लवेश ठीक है, तो मेरे छोटे भाई देख रिश्ता निकाल लिया तूने ऑनलाइन में यार, देख अब क्या कहूं। मिस्टर यहां पर जो मिस्टर है ना उसको कई लोग क्या करते हैं ऐसे काटते हैं, देखो यूं और बड़े सुंदर ढंग से। एग्जामिनर खूब सोचता है यार इसमें क्या लिखा होगा इसने, है ना, इतना ढंग से काटते हो तगड़े तरीके से। आपको ऐसे काटना नहीं है मेरे भाई, आपको क्या करना है, मैंने क्या किया देख, मैंने मिस्टर लिखा, डैश लगाया और क्रॉस लगा दिया। इसका मतलब मिस्टर यहां मुझे लिखना नहीं था, मुझे ब्लैंक छोड़नी थी, गलती से मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए मिस्टर पुनित थैंक्स, मिस्टर पुनित ये नाम बदल देना, हर बार जो रिप्लाई भेजेगा उसका नाम ही आ जाएगा, जो रिप्लाई भेजेगा उसका नाम ही आ जाएगा। फिर थैंक्स आप एक शब्द लिख सकते हो उसके अंदर, कॉर्डियली वार्मली ऐसे लिख सकते हो। फिर किसको, जिसने भेजा इनविटेशन उसका नाम आ जाएगा। ये तो है सेंडर जो रिप्लाई भेज रहा है, और ये वो है जिसकी तरफ से इन्विटेशन आया। फोर इज काइंड इन्विटेशन, ये लिखना ही होगी। तो टू द, फिर यहां पर फंक्शन बदल देना, किसकी वजह से आया, यहां पर तो शादी का फंक्शन था, वेडिंग ऑफ द सिस्टर जया, जया का नाम लिख दिया अपन ने। कितनी तारीख को हुआ था, है ना, या कितनी तारीख को होगा, लगभग इस तारीख से इस तारीख के बीच में 10-15 दिन का गैप होना चाहिए। ही रिग्रेट्स, वो पछतावा करता है कि इज इनएबिलिटी, मैंने यहाँ पर दोनों में से रिफ्यूजल कर दिया, है ना, कि उसकी असक्षमता है कि वो अटेंड नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट प्री डिसाइडेड मीटिंग रखता है ऑन द डे, उसी दिन पर, ऑफ द वेडिंग, वेडिंग के दिन पर, ठीक है ना। वो विशेष करता है न्यूली वेडेड कपल को, ए न्यूली हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है ना। अब देखो फिर नीचे क्या लिखना है, यहाँ देखो नीचे बेस्ट विशेष ऐसे लिखना अलग से, ये बिल्कुल सेपरेटली होना चाहिए बेस्ट विशेष, बिल्कुल अलग से ऐसे पार्ट अलग, बिल्कुल। आगे मेरी बात समझ में पक्की आ गई, बिल्कुल। मैक्सिमम डीएस के ही हैं, सारे स्टूडेंट्स डीएस के ही हैं, और डीएस काफी साल शायद अभी तो देखो किसी ने बताया नहीं है, लेकिन 2-4-5 है और भी डीएस के ही है मैक्सिमम स्टूडेंट। बाकी के देखो ये वीडियो सबके लिए है, कोई भी पढ़ सकता है, और कोई भी अपने यहाँ ऐसा इस तरह से कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है ना। ओके देखो आगे स्टार्ट करें दोस्त, आर यू रेडी।
एक बार चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, देखो यूट्यूब को क्या है, कई बार आप देख तो लेते हो वीडियोस, लेकिन ना तो चैनल सब्सक्राइब करते हो, ना अपने टीचर को लाइक करते हो, ना आप अपनी वीडियोस को किसी को शेयर करते हो। कोई बात नहीं, शेयर मत करो, लाइक भी मत करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि अगर कोई ट्वेल्थ का कोई अपडेट आता है तो मैं आपको दे सकूं। और दूसरी बात, आपको जो 12वीं क्लास का पेपर होगा, वो सारे के सारे पेपर, प्रॉपर सारे के सारे पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है ना? ओके, सारे के सारे पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे पूरे पूरे, तो आपको 12 बजे से सॉल्यूशन चालू हो जाएगा, ठीक है ना? ओके ठीक। अब देखिए दोस्त, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो मैं एक बार इसको छोटा कर देता हूं मैटर को। ये देखिए, अब देखिए क्या ये डेकोरम अच्छा नहीं लग रहा, क्या ये मेंटेन नहीं कर रहा? देखो सारी चीजें मैंने मेंटेन करके लिखी है, ठीक है ना, प्रॉपरली मेंटेन्ड है सारी चीजें। अब आते हैं अपन इनफॉर्मल रिप्लाई पर। किस पर आ रहे हैं दोस्त? इनफॉर्मल रिप्लाई पर आ रहे हैं, बिल्कुल। मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम डीएस की है ना। हाँ देखिए, आगे स्टार्ट करें। अब देखिए यहाँ ये थोड़ा सा लाइट पड़ेगा, हल्का पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रिंट इसका सही नहीं आया है, इसका थोड़ा सा लाइट पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, जूम आउट। ये स्कैन सही नहीं हुआ संजय, ये स्कैन सही हो सकता है क्या? और ये फाइल 299 करने पर भी देखो बहुत हल्का आ रहा है प्रिंट, इसको सही स्कैन हो सकती है कि मोबाइल से या किसी से, जैसे बच्चों को साफ नजर आए? साफ नजर नहीं आ रहा है इसमें कुछ भी। लाइन कर सकते हैं क्या? देखो हाँ बिल्कुल वही है, शॉर्ट कंपोजिशन में ना लाइन करने की बात अगर आए तो शॉर्ट कंपोजिशन में लाइन कम किया करो, मतलब मेन तो ये, इसमें पॉइंट भी वैसे ही होता है ना, मतलब इसमें पेंट पॉइंट ऐसे नहीं होते जैसे आप अंडरलाइन करो मेन कुछ, ये मेन मेजर ही होता है, मतलब कितना सा लिखना होता है, 50 वर्ड्स लिखने हैं, उसमें क्या अंडरलाइन करोगे? एग्जामिनर पूरा पढ़ता है, आपका सबसे बड़ी जो इंप्रेशन जो उसके अंदर होता है ना, वो फॉर्मेट होता है। जैसे मैंने ये लिखा, ये लिखा, अब ये क्या है, ये आपका एक्सेप्टेंस है, स्वीकृति है, ये मना नहीं कर रहा, ये हाँ कर रहे हैं। तो देखो मैंने क्या कर दिया कि डेट लिख दी, एक लाइन छोड़ा, अब मैंने मिस्टर पहले लिख दिया और मिसेज बाद में लिख दिया, जबकि क्या होना चाहिए, मिसेज पहले आना चाहिए, मिस्टर बाद में। तो मैंने एक एरो बनाया, मैं एरो बना के बताता हूं आपको कैसे बनाया। मैंने एक एरो बनाया यूं, इसका मतलब, इस एरो का मतलब क्या निकला कि ये वाला पोर्शन इधर जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर आएगा, इस एरो का मतलब यही निकला। तो विक्रम जो गौर है वो कॉर्डियली थैंक करते हैं मिसेज और मिस्टर किसको, शंकर को, फॉर इन्वाइटिंग देम ऑन द ओकेजन, कि वो इन्हें इन्वाइट कर रहे हैं उस अवसर पर जो उनकी वेडिंग का है, ऑफ द ईयर सन उनके बेटे की, और बेटे का नाम है अंकुश। कितनी जगह ये एड्रेस है जहां पर शादी हो रही है, और फिर देखो वो स्वीकार रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं कि दैट दे विल बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन, कि वो ओकेजन पर आ जाएंगे टू विश द न्यूली बेड्स, न्यूली कपल, अच्छे जो न्यूली अभी हाल ही में बना हुआ कपल है उसको, ए वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। अब देखो लास्ट में क्या बोलना है, सिंपल है सारी चीजें, और देखो लास्ट में जो है ना मेन चीज वो ये है, आप ये बेस्ट विशेष तो लिखोगे लिखोगे, ये तो आप लिखोगे लिखोगे, लेकिन नीचे ना आप जैसे ही दोनों आए, मिया बीबी यानी हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं, तो आपको क्या करना है, द आर्टिकल लगा करके उनके सरनेम में एस लगा देना, जैसे अदर वो शर्मा, मिस्टर एंड मिसेज एंड मिस्टर शर्मा हो तो शर्मा, द शर्माज लिख देना आप, है ना, या फिर डायरेक्ट भी शर्माज लिख सकते हो, आर्टिकल द की कोई जरूरत नहीं है। राजा राम बोल रहे सर एप्लीकेशन को बॉक्स में लिखना है क्या? बिल्कुल बॉक्स में लिखो, ज्यादा अच्छा लगेगा, इफेक्टिव लगेगा, इंप्रेसिव लगेगा, बिल्कुल। अपन जो है सारी क्लासेस सॉल्व करवाएंगे, सारी क्लासेस सॉल्व करवाएंगे, छोड़ो अब तो हो गया ये। अब देखिए अगला, अगला है ये है इनफॉर्मल, ये थोड़ा सा तैयार कर लेना अच्छे से, इनफॉर्मल अब की बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और कौन सा है इनफॉर्मल, पहले तो इसका फॉर्मेट आप अपने दिमाग में सेट करो, इनफॉर्मल रिप्लाई कैसे लिखना है ये देख लो, पहले तो अपने दिमाग में इनफॉर्मल रिप्लाई का फॉर्मेट सेट करो, ये लीजिए, हाँ अब लीजिए, अब आपको प्रॉपर आ रहा है। देखो ये बॉक्स है क्लोज्ड, अब इस क्लोज बॉक्स में सबसे ऊपर तो क्या है बताना जरा, ऊपर क्या है सबसे ऊपर, यहां ये है सेंडर्स एड्रेस, सेंडर का पता, क्या लेटर में भी हमने ऐसे ही लिखे थे, सेंडर्स एड्रेस लिखा था ना, तो तीन लाइन का सेंडर का एड्रेस चला गया, फिर डेट के ऊपर एक लाइन छोड़ दी, फिर डेट के नीचे एक लाइन छोड़ दी, फिर लिखा डियर का डी कैपिटल, मृदुल का एम कैपिटल लिख दिया, और फिर ये कंटेंट्स लिखना, आई एम ग्लैड टू हैव रिसीव्ड यू, यहां पर आप फर्स्ट पर्सन खूब यूज करना, आई वी यू दे का खूब यूज करना,
सर जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उनसे बाहर तो नहीं जाएगा, पेपर में बिल्कुल नहीं जाएगा, आप इसी को तैयार करो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया तैयार, बहुत, लेकिन तैयारी बढ़िया से होना चाहिए। फिर नीचे आएगा विद बेस्ट विशेज, पूर्ण शुभकामनाओं के साथ, योर सिंसियरली, तुम्हारा शुभाकांक्षी, ये दोस्त के लिए लिखना है सिंसियरली। जब यहां पर अदर कोई आएगा, जैसे मान लो कोई रिश्तेदार आ गया, तो फिर सिंसियरली नहीं लिखना, फिर लिखना है रिश्तेदार के लिए अफेक्शनेटली। ये नोट कर लेना, रिश्तेदार के लिए क्या लिखना है, अफेक्शनेटली। और अगर यहां पर कोई और अधिकारी वगैरह आ गया तो आपको लिखना है फेथफुली, ये अपन लिखते ही आए पहले से, फेथफुली, ठीक है ना, ये लिख देना आप। और फिर नीचे अपन को एक्स वाई जेड नाम लिख देना है। ये आप प्रॉपर फॉर्मेट आपके दिमाग में सेट रखोगे मेरे भाई, है ना, क्या रखोगे, प्रॉपर फॉर्मेट आपके दिमाग में आप सेट रखोगे, देख लो। ये आपको सैल्यूटेशन जो कोई भी चीज भूलनी नहीं है बस इसके अंदर। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल में अंतर क्या है समझ लो। फॉर्मल में आप लोगों को आई वी और यू के यूज नहीं करने हैं, आई के प्रोनाउंस का, वी का, वी के प्रोनाउंस का, यू के प्रोनाउंस का। कॉपी में लिख लो ये लाइन कि फॉर्मल में हमको आई वी और यू प्रोनाउंस के यूज नहीं करने हैं। कर लिया, आई वी और यू के यूज नहीं करने किसके अंदर, फॉर्मल के अंदर, ये दिमाग में सेट रखना। दोबारा बोल देता हूं, फॉर्मल इन्विटेशन के रिप्लाईज के अंतर्गत आपको प्रोनाउन आई, प्रोनाउन वी, प्रोनाउन यू के यूज नहीं करने हैं। किसी प्रकार की अनौपचारिक भाषा या व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग नहीं करना है, जैसे गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, ये वर्ड यूज नहीं करने। लेकिन इनफॉर्मल में आप खुलकर, मन से खुलकर आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई दो राह नहीं है, खुलकर आप यूज कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। अगली चीज, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो क्वेश्चंस देख लीजिए आप, क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो क्वेश्चन देख लीजिए आप, एक बार क्वेश्चन जरूर गो थ्रू करें, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिसने क्वेश्चन ही नहीं निकाले उनको क्या समझ में आएगा बताओ, जरा नहीं आएगा ना, क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है इसके। चलो ये रहा, देखिए है ना, रिफ्यूजल, मना, राजाराम नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम आपके में आ रही है, देख भाई, है ना बेटा। देखो रिफ्यूजल में क्या है, एक रिप्लाई लिखो, एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर, प्रिसाइड ओवर होता है बेटा मुख्य अतिथि बनना, प्रिसाइड ओवर क्या होता है, मुख्य अतिथि बनना, हाँ प्रिसाइड ओवर तो मुख्य अतिथि बनना। तो प्राइड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, उसका मुख्य अतिथि बनने के लिए आपके पास एक इनविटेशन आया है, उसको एक्सेप्ट करना है, मतलब आपको स्वीकारना है। तो देखो एक रिप्लाई लिखो, स्वीकार लो इनविटेशन को, जो कि मुख्य अतिथि बनने के लिए है, किसका, प्राइड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। तो कैसे करना, देखो एड्रेस लिखना आप, तीन लाइन में लिखना एड्रेस को, पहले तो मकान नंबर लिख दिया, फिर नीचे लिख देना शिवाजी टर्मिनल, और फिर टर्मिनस के बाद मुंबई, एक लाइन छोड़ देना ऊपर, एक लाइन छोड़ देना नीचे। अपन लिख दिया 4 मार्च 2024, और फिर नीचे लिख दिया माय डियर मिस्टर पुरोहित, आप तीन शब्द ही लिखना, डियर मिस्टर पुरोहित, ये नाम लिख दिया, तीन ही लिखना, चार मत लिखना, ठीक है भैया। सर एग्जाम के लिए गॉड ब्लेसिंग दे दो प्लीज, जयेश यादव, बिल्कुल गॉड ब्लेस आपको, मे गॉड ब्लेस यू, और कल की क्लास और लोगी कल लेंगे, कल आपको आशीर्वाद झोली भर के दूंगा, झोली तो मेरे पास है नहीं, जो भी होगा वो भर के दे दूंगा, यूं करके दे दूंगा यूं, ठीक है। तो कल अपन मिलेंगे, कल की क्लास में अपन पूरी तरीके से एक बार फॉर्मेट फिनिशिंग टच देंगे, तब जाकर के अपन ये काम करेंगे, ठीक है। आगे देखो दोस्त, कि थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत धन्यवाद, ये किसके लिए रिफ्यूजल है, आप खुद की तरफ से दे रहे हो, इनफॉर्मल है ये, फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल है, एड्रेस जहां आ गया इनफॉर्मल है, कि तुम्हारा जो यू आर आ गया देखो इनफॉर्मल है, कि थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने इन्विटेशन दिया कि हम मुख्य अतिथि बने कल्चरल नाइट का और प्राइड डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन का, जो सिटी कल्चरल सोसाइटी में होगा संडे को 20 मार्च 2024 में, मैं निश्चित तौर से वहां आ जाऊंगा, ठीक है ना। और फिर लास्ट में देखो विद बेस्ट विशेज, ये करना ही करना है, और सिंसियरली योर्स ये भी लिख सकते हैं, और योर्स सिंसियरली ये भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है जैसा लिख सकते हो आप, मनीष बहल, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं। आगे देखिए अगला, अगला है फिर से स्वीकार रहे हैं अपन, तो सेम पैटर्न है स्वीकारने का, लेकिन ये इनफॉर्मल ही है ना, माई डियर रवि, ओहो ये लाइन चेंज नहीं हुई, कोई बात नहीं, ये लाइन नीचे आएगी, थैंक यू फॉर योर लेटर इनवाइटिंग मी, एक फॉर्मेट याद कर लो कोई सा भी, बस एक में ही सारा काम चल जाता है, बस कार्यक्रम का नाम बदलना है और कुछ नहीं करना, डेट और टाइम बदलना है और कुछ नहीं करना, कार्यक्रम का नाम बदलना है, ठीक है ना। ओके अब देखिए, हाँ स्टार्ट करें। ओके दोस्त, योर कजिन मिस्टर ऋषि पालीवाल्स बुक, एक्सेप्टेंस है फिर से, तो तीन एक्सेप्टेंसेस के अंदर तुम आराम से तैयार कर लो, तुम्हें जौन सा अच्छा लगे,
एक ही एक्सेप्टेंस सारे एक ही तरीके के, आपको क्या करना है कोई भी तरीका जो अच्छा लगे ना सुटेबल उनमें से कोई सा भी एक्सेप्टेंस तैयार कर लेना, कोई सा भी एक्सेप्टेंस, ठीक है ना सर। इनफॉर्मल मोस्ट है ना, बिल्कुल इनफॉर्मल ही आएगा, मैंने तीन चार तो इनफॉर्मल के लिए हुए हैं। रिफ्यूजल है, मना कर रहे हैं, मना को एक बार पढ़ लो कि रिफ्यूजल कैसे करते हैं, मना को पढ़ लो। सर अनसीन पैसेज बताओ कल, शिव कह रहे हैं अनसीन पैसेज बताओ कल बताएंगे अनसीन पैसेज। सर मैक्सिमम कितने नंबर आ गए बोर्ड में आपके टीच से, 100 100 आए लाइन लगा के दोस्त, मेरी टीच से नहीं आए, बच्चों ने लाए, मेरी टीचिंग से नहीं आए, टीचिंग तो मैंने भी उनको भी की है जो फेल हुए, अरे जो फेल हुए ना फेल उनको भी मैंने टीच किया है, जो 99 आए उनको मैंने टीच किया है, 80 आए, मेरी टीच करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पढ़ने से होगा। मैं तो 7 दिन से आपको पढ़ा रहा हूं लेकिन मेरे पढ़ाने से क्या होगा जब तक आप पढ़ोगे नहीं, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अब देखिए यहां पर वही एड्रेस 3 लाइन का, फिर 4 मार्च, फिर माई डियर मिस्टर जैन, आप 4 शब्द बोले, आप तीन यूज करना आप, है ना एग्जाम में, ये 3-4 होने गलत है, 3 ही करना। थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी, कि तुमने मुझे इन्वाइट किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां तक तो सेम है, फिर देखना डेट जहां तक आई है, कार्यक्रम जहां तक हुआ वहां तक तो सबकी जगह सेम ही रहेगा। अब मना करेंगे तो कैसे करेंगे, बड़े तरीके से करेंगे। फिर भी मुझे बहुत खेद है कि मैं दिखा रहा हूं, व्यक्त कर रहा हूं मेरी असक्षमता। अब देखो आपको फ्रेजल वर्ब आती है पुटक, जैसे व्यक्त करने के लिए पुट अक्रॉस अपन की फ्रेजल वर्ब है तो वो यूज कर सकते हो आप, कि मैं अपनी असक्षमता दिखा रहा हूं कि मैं प्रेजेंट करूं ऑन द गिवन डेट, डेट पर मैं प्रेजेंट हो जाऊं। माई सेवरल प्रीवियस एंगेजमेंट, क्योंकि मेरे कई सारे काम हैं जो पहले से डिसाइडेड है उस दिन के लिए। विल नॉट परमिट भी, वो मुझे अनुमति नहीं देंगे इतने सारे काम कि मैं तुम्हारे इन्विटेशन को स्वीकार कर सकूं। इनकन्वीनियंस कॉज्ड दिस इज रिग्रेटेड, कि जो मैंने असुविधा तुमको दी है उसके लिए पछतावा है, खेद है, असुविधा के लिए खेद है। योर सिंसियरली, तुम्हारा शुभाकांक्षी मित्र है ना इसलिए डी एस कुलकर्णी। अब आगे देखो, अगला देखो, अगला फिर से वो रिफ्यूजल है। तो एक रिफ्यूजल मैंने आपको करवाई दिया, दूसरा रिफ्यूजल आप खुद अपने तरीके से इसको याद करेंगे। अगला देखेंगे, अगला है रिफ्यूजल फिर से। तो तीन मैंने रिफ्यूजल लिए हैं, आप 3 एक्सेप्टेंस लिए, 3 रिफ्यूजल लिए हैं। लविश आई होप सो, मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि जितने बच्चे लाइव ले रहे हैं, जितना बच्चे रेगुलर पढ़े हैं, और देखो पहली वीडियो को कितना प्यार मिला है, पहली वीडियो मेरी काफी अच्छी बच्चों ने देखी है, कम समय में बहुत शॉर्ट स्पान रहा। अगर ये वीडियो मैंने जनवरी में बनाई होती तो काफी सारे बच्चे लाभान्वित हो पाते, बहुत कम लोगों तक मैं पहुंच पाया हूं। लेकिन ये है कि जितने भी लोगों तक पहुंचाऊं उनका बहुत फायदा मिलने वाला है, मैंने पूरी मन से मेहनत की है, और कल भी और मन से अपन बात करेंगे अच्छे से। बिल्कुल इंद्रेश, बस खत्म ही होने वाला है, 5-10 मिनट 15 मिनट और अपन ज्यादा ज्यादा देंगे 10 मिनट मान लो। इसके बाद देखो यहां पर अपन अब आते हैं फॉर्मल पर। फॉर्मल इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना, बिल्कुल तैयार करना पड़ेगा। तो देखिए एक बार जितने भी लोग यहां पर, जितने भी लोग यहां पर क्या है अभी तक, जितने भी लोग यहां पर पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, वो एक बार इसको लाइक जरूर करें सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इसको शेयर जरूर करें। लिख सकते हैं कि बिल्कुल लाइन लिख सकते हैं, वैसे छोटे क्वेश्चंस में लिखने की जरूरत ही कहाँ है, ठीक है ना। अब देखिए 4 मार्च 2024 अपन सबसे पहले फॉर्मल में डेट लिखते हैं। मैंने आपको फॉर्मल का पैटर्न बता दिया, फॉर्मल का पैटर्न बताया मैंने आपको कि डेट लिखते हैं सबसे पहले, तो मैंने फॉर्मल का पैटर्न बता दिया आपको, टेंशन ना करें। अब देखें मिस्टर परमेंद्र जैन थैंक्स द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ। मिस्टर परमेंद्र जैन है ये थैंक करते हैं प्रिंसिपल और स्टाफ को, क्योंकि उनको बुलाया गया है किसके लिए, देखो कि यहाँ पर प्रिंसिपल और स्टाफ को बुलाया उनको सेलिब्रेट करने के लिए इट्स एनुअल फंक्शन को, ठीक है ना। चीफ गेस्ट ये होंगे ये बताया गया, तो देखो कि मिस्टर परमेंद्र जैन थैंक को, परमेंद्र जैन थैंक करते हैं किसको, प्रिंसिपल स्टाफ को जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है, किसके, चामवाला स्कूल के, 4th ईयर, काइंड इनविटेशन की उन्होंने विनम्र निवेदन या विनम्र निमंत्रण भेजा टू अटेंड द एनुअल फंक्शन अटेंड करने के लिए उनके स्कूल का, इतनी तारीख को लगभग इतने बजे। ही हैज ग्रेट प्लेजर, उसे बहुत आनंद हुआ इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने में। आप बेस्ट विशेज नीचे लिख सकते हो, ये लिख सकते हो बेस्ट विशेष, ठीक है ना। अब आगे चलो, कोई दिक्कत है अभिषेक, क्या यार फालतू क्वेश्चन, तो 1 महीने में कितना कमाते हो, तो क्या करेगा मेरी कमाई का, ठीक है ना।
भगवान जाने तेरे को मेरी कमाई से क्या चाहिए, 2 दिन से मेरे पीछे पड़ रहा है। बताऊंगा तू आ जा मेरे पास, जब बताऊंगा कि कितनी कमाई मेरी, तू आना मेरे पास एक दिन जब मैं तेरे को बताऊंगा कितनी कमाई है। अरे पढ़ाई तू नहीं रही यार, कमाई कर रहा है तू, पहले बोर्ड का पेपर दे लेता था फिर करना कमाई, तू आ जाना मेरे पास ठीक है ना। देखो यू आर मिस्टर टिकेंद्र सिंह, तुम टिकेंद्र सिंह हो और ये बिल्कुल सेम है, एक्सेप्टेंस है यहाँ भी, मना नहीं है। अब एक रिफ्यूजल देख लेना, एक्सेप्टेंस यहाँ भी एक्सेप्टेंस है, एक रिफ्यूजल देख लो, रिफ्यूजल ये रहा, इसको रिफ्यूजल को देख लो ठीक है ना, रिफ्यूजल देख लो। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये वही है जो खुद 1 रुपये भी नहीं कमाते। बिल्कुल फॉर्मेट सिंपल लैंग्वेज में बता दो प्लीज। देखो मैंने शुरुआत में जो फॉर्मेट बताया ना वो सिंपल लैंग्वेज में ही था, कॉपी में लिखा हुआ है, पूरी पूरी पीडीएफ, कॉपी की भी पीडीएफ आपको जो की त्यों दे दूंगा कल, पूरा की पूरा फॉर्मेट, पूरा की पूरा पैटर्न आप लोगों के सामने होगा माय फ्रेंड, पूरा पूरा पैटर्न आप लोगों के सामने होगा। देखिए 4 मार्च 2024, मिसेज एन मिस्टर शर्मा, थैंक मिसेज एन मिस्टर एलपी जांगेड की, किसके लिए, उनके इनविटेशन के लिए कि वो अटेंड करेंगे बर्थडे पार्टी को अपने बेटे की मोहन की, जो कब हो रहा है 14 मार्च को हो रहा है, लेकिन वो पछताते हैं क्योंकि वो असक्षम है टू अटेंड करने में, इट इज ए ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल ऑफिशियल वर्क, अपने किसी अपरिहार्य ऑफिशियल कार्य के लिए जो अजमेर में है। सिंसियर थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर द इनविटेशन, इनविटेशन के लिए, एंड बेस्ट विशेष टू मोहन, और मोहन को बेस्ट विशेष, दोनों हैं पति पत्नी तो आप लिख सकते हैं बेस्ट विशेष दोबारा नीचे, और नीचे नीचे लिख सकते हैं द शर्माज। अच्छा अब तुम्हें याद क्या क्या करना है, ये आप कर लेना, वो रिफ्यूजल है, अब याद क्या क्या करना है देख मेरे भाई। एक तो तू इसे याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर्स ऑर्डर में चलता जा रहा हूं, एक तू इसे मत करना कोई दिक्कत नहीं है, पहले पहले ले रखे मैंने, हाँ एक तू इसे तैयार कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना, एक पैटर्न ये तैयार कर लेना, बाकी का एक एक आप इनमें से तैयार कर लेना, मैंने एक एक ही पढ़ाई आप इनमें से तैयार कर लेना, 100% आप लोगों का हो जाएगा। अब बात करते हैं 5, 2 या 3 मिनट, 2 या 3 मिनट अपन एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं। चलो ये आपको मैंने कंप्लीट कंप्लीट जो है देखो पूरा सेटअप आपको बना के दे दिया है, ये देखिए ठीक है ना, अब आपको मैंने कंप्लीट सेटअप बना के दे दिया है, अब तुम इसमें टेंशन मत करो, अब तो तुम मुझे ये बताओ ठीक है ना, अब तो मुझे ये बताओ दोस्त कि टोटल अपन के कितने मार्क्स का मैटर हो गया, मैंने अब तक जो क्लास लिए वो बताओ सर, नोटिस के अलावा किसी में भी बॉक्स नहीं बनाए तो कोई प्रॉब्लम, नोटिस शॉर्ट कंपोजिशन में आपको बॉक्स बनाना है, कल मैं लाऊंगा ना बना के तो बॉक्स के लिए ब्लैक कलर की लाइन लेके आऊंगा जो तुम्हें दिखे ठीक है ना, प्रॉपर स्कैन करेंगे ना तो जिससे दिखे, तो आप मुझे बताओ कितने मार्क्स का मैटर मैंने करा दिया, टोटल बताओ मैंने ऑनलाइन में कितने मार्क्स का मैटर आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मेट एग्जाम्पल्स के थ्रू करा दिया, आज की क्लास में 4 का कराया है इंद्रेश, पूरा कितने का करा दिया बताओ जल्दी। देखो सबसे पहले मैं लेकर के आया आप लोगों के 64 नहीं 65 के, 64 65 मार्क्स का कराया पूरा, गिना देता हूं कैसे कराया है, 65 का, 14 नंबर का मैंने आप लोगों को बिस्टास कराई ठीक है, 14 नंबर का फ्लेमिंगो का पोएट्री सेक्शन कराया, 14 दुनिया 28, 14 नंबर का आपको प्रो सेक्शन कराया 42, इसके बाद में आपको 15 नंबर का क्या कराया, 15 नंबर का आपको मैंने कंपोजिशन का सेगमेंट कराया ठीक है ना, कितना हो गया बताना जरा, 15 नंबर का हो गया ना इसमें, 11 नंबर की कल की क्लास, 4 नंबर की आज की क्लास, 15, तो 42 एंड 15 कितने हो गए 57, और 57 8 मार्क्स की मैंने ग्रामर करा दी आपकी, कितने मार्क्स की 8 नंबर की, पूरी एक दिन की मैराथन क्लास ली थी 3.5 घंटे की, और पूरी एक एक जो 3.5 घंटे की क्लास में मैंने क्या करा दिया पूरा कंप्लीट आप लोगों को क्या कराया दोस्त बताना जरा, 8 नंबर की ग्रामर करा दी, तो टोटल हो गए 65। कल मैं 15 मार्क्स के लिए विद रिटन कॉपी कल आप लोगों के साथ फिर मिलूंगा दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार मुझे जिस तरह से आज मिला, स्नेह जिस तरह से आज मिला कल भी मिलेगा, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, और सभी को बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।